ये थे उसको तय लगा करके सबके सबके अपने अपने कमरे में रख दिए। फिर मैं आई, एक लोटा गरम पानी, पानी तो पूरा बॉयल हुआ साथ साथ टहलने। अब देखो ये हम बोले जूता पहन लो, जूता नहीं पहन रही है। बस ऐसे चलो धीरे धीरे, अरे जैसे वो चलो वैसे चलो तुम। ये बोल रहे पता नहीं क्या, बस ये सारे भी बात कर रहे पता नहीं। बस करो खोज देना किट आ गई। हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसका ये सब लुक अच्छा लग रहा है ना, जो ये गोल्डन डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने पुदीना की चटनी बना दिया है और चाय। तो भैया किट्टो रानी चाय ला के रख दी है और हमको दे दी है गर्म पानी नींबू। लोगों कमेंट से परेशान होकर किट्टो रानी ने अपना वेट कम करने के लिए स्टार्ट कर दिया है जिम। अब किट्टो रानी दुबली पतली होकर दिखाएंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो बाप बेटे दोनों उठ गए हैं और आज बाप बेटे को उठाया मम्मी ने और ये रही इनकी मम्मी। आज किट्टो सुबह सुबह उठ गई है। गुड मॉर्निंग फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुबह इसलिए उठ गई क्योंकि बाबू को फिट करा रहे थे, तो फिर देखिए उजरा मतलब रोशनी हो गया था। मेरा शकल दिखा रहे, क्या दिखा रहे हो? मेरा मतलब कि मेरे बोला कि चलो रोशनी हो गया, तो जो भी बर्तन वगैरह था तो मैंने इसको धूल डाल उल करके फिर उसके बाद चली गई नहाने। नहा कर भी आई, कोई पूजा पाठ की, आप लोगों को बैकग्राउंड में भक्ति गाना सुनाई दे रहा होगा। और जो भी कपड़ा था, कपड़ा वगैरह भी धूल दिए, सब कपड़ा डाल दिए हैं। और जो कपड़ा लिए थे उसको तय लगा करके सबके सबके अपने अपने कमरे में रख दिए। फिर मैं आई, एक लोटा गर्म पानी, पानी तो पूरा बॉयल हुआ किए थे, और उसके बाद एक लोटा नींबू पानी पी रहे थे, तब से ये उठ गया। हम क्या उठिए, आप तो बोलते सुबह उठेंगे वेट लॉस करेंगे, ये करोगे, फिर मैं पी रही हूँ। और देखिए बहुत सारी लेडीज चल टहल रही थी। ये देखो मेरा बेटू भी उठा हुआ है। गुड मॉर्निंग बेटू, गुड मॉर्निंग। तो गाइस फटाफट चलते हैं फ्रेश होते क्योंकि अब जिम स्टार्ट कर देंगे धमाका। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं जा रहा था बाहर टहलने के लिए, थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा। किट्टो कह रही कि मैं भी चलूंगा, मैं कहा चल लो तुम भी, लेकिन तुम एक्सरसाइज पसंद है, तुम टहल सकती हो अभी, वॉक कर सकती हो सुबह, क्योंकि बाबू को मालिश कर दिए, मालिश हो गया, खा पी लिया, मतलब बाबू अपना फीडिंग वगैरह करा दिए, अब सो रहा है बाबू, मतलब सो क्या रहा है, एकदम खेल रहा है, जग रहा है, सो रहा है। तो किट्टो कह रही चलो सुबह सुबह थोड़ा सा हम भी टहलेंगे, तो ठीक है चलो। हम टहले थे सुबह, मतलब यहाँ पे बालकनी में टहली थी। हाँ मैं देखी सब लोग नीचे टहल रहे थे, तो उनके हम टहले, फिर हम के बाबू को पर करा लिए, तो हमको बहुत गर्मी लग रही थी, तो हम कहे चलो नहा ही लेते हैं, हम हमको इतना से गर्मी लग रहा था, सही है नहा लो। असल 5-6 बजे उठ गए, 5 बजे तो एकदम उजाला। हमारा पूछ बन के साथ साथ टहलने टहलना। देखो ये हम बोले जूता पहन लो, जूता नहीं पहन रही है। नहीं। क्यों नहीं पहन रही हो? मेरी मर्जी, मुझे लगी है बड़ी तेज से भूख, क्योंकि कुछ पहले से कमर अब पतला लग रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है इंजेक्शन लगने के बाद ना थोड़ा कमर मेरा ना ऐसे हो गया, हो जाएगा और लगेगा वहाँ पे, ये सब फिर से निकाल के लगा रहे हैं ना, कुछ और लगेगा तो इसी लाइट को ऊंचा करेंगे। मेरे पैर में ऐसे सटते हैं। हाँ चलने में सट रहा होगा। तो गाइस ये हमारा है जिम वगैरह जिसमें है, लेकिन अभी जिम शायद 9 बजे ओपन होता है, किट्टो कह रही ना, इतने बजे तक तो हम तैयार हो जाते हैं ऑफिस के लिए। सारा मशीन तो है ही, ये वाला मेरा एक रील्स बना हुआ है, अपने आप होता है ये। मैं बाबू क्यों बाहर जाऊंगा बताओ, सोसाइटी में मेरे जिम वगैरह सब कुछ है। सही बात है, एक बार मुझे करने दो ना। करोगी? बिना स्लीपर के नहीं होगा, शूज पहन के सही स्लीपर से नहीं हो पाता सही से।
क्या कह रहे हो? तो गाइस किट रानी आ गई है आज जिम में। ये कह रही मैं भी चलूंगी, मैं बोला शूज पहनने बोले थोड़ा सा तीन नंबर दबाओ, तीन नंबर नहीं गिरोगी, नहीं गिरोगी, तीन नंबर दबाओ। अब बस पहले हरा वाला बटन दबाओ, हरा वाला। हाँ अब तीन नंबर, तीन नंबर बस रहने दो, रुक जाओ, चलने दो, बस ऐसे चलो धीरे धीरे। अरे जैसे वो चलो वैसे चलो, तुम चलो धीरे धीरे। हाँ बस धीरे धीरे चलती रहो, धीरे 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 आदत पड़ जाएगी। हाँ धीरे 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 धीरे, जैसे ये चल रहा है ना वैसे चलती रहो, जैसे चलती वैसे चलो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल चलती वैसे चलो, उसको मत देखो सामने देखो, जैसे नॉर्मल चलती वैसे चलती रहो। हाँ थोड़ा और आगे जाओ, हाँ बस चलती रहो ऐसे। हाँ तो तेज चला देंगे, कभी तुम्हारी आदत नहीं है ना। कितने पे है? एक नंबर पे, तीन नंबर दबाओ, तीन नंबर, तीन नंबर, चलो तीन नंबर। हाँ चलती रहो, और आगे आओ, और आगे, हाँ बस चलती रहो, सामने देखो नीचे मत देखो। फिर चल रहा है, और आगे आओ, हाँ बस सीधे खड़ी रहो, हाँ चलती रहो धीरे धीरे। हाँ तो तुम्हें आदत नहीं ना, भी हो जाएगी आदत धीरे धीरे। और आगे आओ, आगे आओ, पीछे अपने आप को क्यों ठेल रही हो, जैसे चलती हो नॉर्मल। आगे हटाकर खुद करने लगे। इसमें दौड़ते भी हैं? अच्छा जैसे कि रेस करते हो ना। ये देखो गाइस, ये इनकी तो हैबिट होगी। गाइस हमारे यहाँ तो जिम था, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना सुबह खुल जाता है, और घर कर रहे हैं तो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरा इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, और यहाँ पे भी कुछ है तो पता नहीं। देखते हैं, यहाँ ऑफिस वगैरह है, हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटल भी है, पता भी नहीं चला। हाँ यहाँ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे है। दूसरी जगह पैसा खर्च करने से अच्छा अपना यहीं पे करो, मस्त है। ये सुबह सुबह में 7 बजे हाथ खुल जाता है, तो जो भी मेरा ब्लॉग देखता है सोसाइटी के अंदर पता हो जाना चाहिए कि 7 बजे जिम खुल जाता है, जो करना चाहता है करके कर सकता है यहाँ पे। बहुत बड़ी है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था ये सोसाइटी, मतलब ना जो ये वाला टावर है ये सबसे बेस्ट टावर है, तभी तो ये टावर महंगा है, 1,20,00,000। बाप रे, ये वाला टावर बहुत महंगा है। तो कोई नहीं, बहुत ही अच्छा है, यहाँ बैठ की कल व्यवस्था है, यहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं, कोई थक जाए, बहुत सारी सुविधाएं हैं, जो आता होगा करके जाता ही होगा। यहाँ हॉस्पिटल भी है, क्लिनिक वहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ क्लिनिक भी है, पता है आपको क्लिनिक यहाँ पे है? वहाँ अब पता नहीं बैठते कि नहीं बैठते, लिखा तो है। बैक कैमरा करके इनको दिखाती हूँ, आए थे दूध लेने, वॉक करने, लेकिन यहीं पे, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम वहाँ पे था। तो ये जो ऐसे ऐसे उठाने वाला है ना, हम उनका देखे थे, कृतिका मलिक का, ये सब देखे उन लोग का देखे थे, ऐसे ऐसे करती हैं। ज्यादा वजन होता है? वजन उतने कम घटा रहा था, अब तो मैं आया हूं भैया। मतलब हम लोग कितने दिन में कितने आए हैं? 5 आए हैं नवंबर का, नवंबर हम आ जा रहे हैं जी, बताओ। हां 6 महीने हो गए, 36 दिन तो गुजरते थे, लेकिन आए पहली बार यहां पे। फोटो कर ले लो, बस करो पोज देना। तो सब लोग आ रहे हैं जिम करके ही जाएंगे, जिसको जितना टाइम रहेगा 10 मिनट 15 मिनट। आप इकट्ठा मत करो, बस इधर
ऐसे ही तो हम बोल लेते जो देखे थे उसमें। लो हाथ खींच लो। ठीक ठाक ही। हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसका ये सब लुक अच्छा लग रहा है ना, जो ये गोल्डन वर्क हो रखा है। बैठना भी सही है भाई साहब। गाइस हम लोग देखो इसी सोसाइटी में रहते हैं और हम लोग अपने ही जिम में नहीं आ रहे थे। एक बार हमको ऊपर जाके देखो तो इधर। चलें इधर लिफ्ट है, क्या लग रहा है ये वाला, ये वाली जो है ना, ये हम लोग के लिए अच्छा रहेगा ना। निकलो बाहर, ये निकल बना रहे थे, नीचे कितना शानदार लग रहा है। ये तो महंगा भी तो है, इसी में फ्लैट 1 करोड़ 20 लाख कहाँ जाएगा। आ जाएगा हम लोग आ चुके हैं घर पे और शूज पहले निकाल देते हैं अच्छे से। दूध भी लेके आ गए हम लोग, आ चुके हैं और दूध वगैरह लेकर गए थे। तो किट्टू यहाँ पे चाय बनाने की, तो खाना क्या बनेगा? दाल चावल रायता, आलू की सब्जी, पुदीना की चटनी। पुदीना हाय हाय हाय। तो किट्टू लहसुन वगैरह छील रही हैं, तो चाय गर्मा गर्म बनती। तो मैं फटाफट डस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ, किट्टू इधर किचन का काम कर रही हैं, तो मैं डस्टिंग वगैरह कर देता हूँ। तो भी मैं आप लोग को बताता हूँ गाइस, ये देखिए रेगुलर यूज करते करते यहाँ देखिए ये स्पॉट पड़ जाते हैं, तो ये मुझे डस्टिंग में, देखिए इधर मैंने साफ कर दिया तो इधर रह गया। देखिए दूर से दिखाऊंगा मैं आप लोग को, दिख रहा है ना, दिखा, ये चीजें हो जाती हैं जिसको अनहाइजीनिक हो जाता है थोड़ा सा। इसमें सैनिटाइजर वगैरह लगा कर दिया। और यहाँ पे मैंने पुदीना की चटनी बना दिया है और चाय भी बन गया। एक तरफ मैं तो बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, दाल का तड़का भी लगा दिया है। यहाँ मैंने उसे मम्मी बोला मम्मी जल्दी से इसको दे दो और मैं तड़के इसको छोंक देती हूँ, इसका रायता बना देती हूँ, क्योंकि मुझे लौकी का रायता बहुत अच्छा लगता है और हमारी फैमिली को भी बहुत अच्छी लगती है लौकी का ही रायता। चाय पे भी सो के उठ गया है, खाना खाते, गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम नहा धो लिए, पूजा पाठ भी कर लिए, दाल की सीटी देने लगी तो इसको धीम थोड़ा कर देते हैं। और अभी नाश्ता बाहर से मंगाएंगे, क्योंकि गए थे लेने के लिए तो 10 बजे बोले मिलेगा नाश्ता। क्यों? अरे बना दे रहे पकौड़ी। किस चीज़ का बनाओगी? बेसन का, बेसन आलू। आलू की पकौड़ी नहीं अच्छा लगता। प्याज, हाँ प्याज का पकौड़ी बनती है। तो ये लोग प्याज दे ही देते हैं यहाँ से। लो इसमें हम तड़का भैया लाल वगैरह इसको डाल देते हैं, जब तक पानी नहीं जल जाएगा तब तक इसको हम फ्राई करते रहेंगे। किट्टू रानी रायता बना रही है और कुंदरू की सब्जी। हाँ जाओ मैं पूजा करूँ, पूजा में करनी, जल जला के जल जला के आ जाओ, जल जला के। आज किट्टू रानी पूरी फॉर्म में लग रही, जब सब जल्दी होता है तो सब काम जल्दी। अभी तो 9 ही नहीं बजे हैं 9 बज गए यानी। चलो मैं फटाफट जल बल दे करके आता हूँ। पकौड़ी बना रही है, वही प्याज वाला भी बना दीजिएगा। हाँ प्याज वाला भी बना दीजिएगा। आलू को नहीं अच्छा लगता। पकौड़ी की तैयारी हो गई है, ठीक है ऑन कर लेना, ऑन कर लेना इसको। अच्छा कुंदरू बनाऊंगी। हाँ ये पकौड़ी उसमें बनाएंगे ना, लोहा वाले। हाँ दोनों काम होता रहे ना, खाना भी बनता रहे, नाश्ता भी बनता रहे।
ये बनाएंगे कलौजी। कलौजी बनाओ तुम लोग। कलौजी की भी कलौजी बनती है। जाओ आप जल्दी करा दे बस तक, ठीक है। तो भैया किट्टो रानी चाय ला के रख दी है और हमको दे दी है गर्म पानी नींबू। आज से डाइटिंग पूरी बोल रही है अब स्टार्ट। जो भी कल से खाया पिया कोई बात नहीं, डाइटिंग के लिए बोल रही है और पकौड़ी ला के रख दी हो। हम नहीं खाएंगे, ठीक है हम नहीं खाएंगे, पापा लोग खा लेंगे। ये फूल पौधा हटा दो यार, जगह ले रहा है, उधर रख दो। तो अरे यार तुम क्या करोगे खा के, लीजिए पापा। एक सुबह का उन्हें प्लेट ही नहीं, पैर दर्द करने लगा। कोई बात नहीं होता, मम्मी को बुला लो। हाँ मम्मी आ जाओ, इतना तो बहुत पापा कौड़ी। चाय चुई पी लिया हूँ और मैं निकलूंगा ऑफिस के लिए। खाना पीना भी बन गया है, किट्टू कह रही खाना खा के जाओ, खा के जाओ लेके भी जाओ। या तो खा के ही जाएंगे तो लेके ही जाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार लेके जाऊंगी, खा के जाऊंगी, बता रहा हूँ। पीछे सुन रहा है, देख रहे हो बिट्टू इसका रोना। आज तो गर्मी इतनी पड़ रही, वाला एसी चला के हम लोग बैठे, जो नया वाला एसी अभी तक आया नहीं है, वो कल आएगा परसों आएगा। क्या बिट्टू तो किट्टो से तुमने जिम स्टार्ट कर दिया है? लोग कमेंट से परेशान होकर किट्टो रानी ने अपना वेट कम करने के लिए स्टार्ट कर दिया है जिम। अब किट्टो रानी दुबली पतली होकर दिखाएंगी, ऐसा आप लोग को लग रहा है, लेकिन इन्होंने जिम स्टार्ट नहीं मैं किया हुआ। मैं तो जा रही थी, ये हमारे साथ गई थी ना, होता ना कि पूछ हमारे साथ चलेगा हमेशा। लेकिन अच्छा है, मम्मी को भी ले जाओ, मम्मी को लेके चलेंगे जिम। मम्मी जाओगे जिम कर लोगे, थोड़ा सा वेट कम हो ताकि देख लो जिम। मम्मी को लोअर टी शर्ट और एक तो जूता ला देते। लोअर टी शर्ट जूता ना बेटू, नानी जी तुम्हारे लिए तो जिम हम तैयार करवा दिए पापा, तुम बड़े हो गए तो जिम सब कर लोगे। क्रिकेट का भी बन गया है खेलने के लिए क्रिकेट, स्विमिंग पूल भी तैयार हो गया, बस तुम थोड़ा बड़े। मैं तो निकल रहा हूँ। अरे और क्या बोलते हैं ना, बाबू रात में थोड़ा सा परेशान किया था कभी पर किट्टो। तो गाइस अब हम लोग मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, तो इस वाले ब्लॉग को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो बाबू के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, बाय बाय।